हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं दीपक फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ एक पज़ल लेके, जो कि क्या है, एक बॉक्स पज़ल है। देखिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। 10 बॉक्सेस ए टू जे आर प्लेस्ड वन एबव अदर इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर। बॉक्स नंबर वन इज़ प्लेस्ड एट बॉटम एंड बॉक्स टेन इज़ प्लेस्ड एट टॉप। इस पज़ल में हमको क्या किया है, हमको पहले से डायरेक्शन बता दी हुई है कि जो टॉप पे है वो 10 नंबर का बॉक्स है और जो बॉटम है 1 पे है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस तरह की पज़ल को क्या कर सकते हैं, एक फ्लोर बेस्ड पज़ल तरह से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जो पिछली हमने बॉक्स पज़ल सॉल्व की थी उसमें हमने डायरेक्ट स्टेटमेंट की तरह सॉल्व किया था, लेकिन ये क्या है, इसमें हमको डायरेक्ट डायरेक्शन दे रखी है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको फ्लोर बेस्ड तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बोला है देर आर टू बॉक्सेस बिटवीन एफ एंड आई। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, 10 तक ड्रॉ कर लेते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी हम लेके चलते हैं, आपको पता ही है हमेशा। ठीक है, देर आर टू बॉक्सेस बिटवीन एफ एंड आई। एफ एंड आई के लिए क्या है, हमारे पास स्पेस नहीं है, यहाँ पे हम कहीं भी रख सकते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन रही है, इसलिए एफ और आई को क्या करते हैं, साइड में रख लेते हैं। एफ और आई बी के बीच में कितने, दो बॉक्सेस हैं। बॉक्स जे इज़ प्लेस्ड एट बॉटम, बॉटम मतलब नंबर वन पे आएगा। ठीक है, जे पे हमने यहाँ रख दिया। उसके बाद बोला देर आर थ्री बॉक्सेस बिटवीन ए एंड ई। जो हमारा ए है और ई के बीच में कितने बॉक्सेस, 3 बॉक्सेस हैं, 1, 2, 3। हमारा ई यहाँ पे आ गया, ऊपर भी आ सकता है नीचे भी आ सकता है, इसलिए बॉक्स नहीं बनाया हमने। उसके बाद आई इज़ प्लेस्ड ऑन इवन नंबर पोजिशन, जो हमारा आई है वो किस पे, इवन नंबर पे। ठीक है, उसके बाद बोला है बॉक्स सी जो है इस एट नंबर पोजिशन, सी हमारा क्या है, 8 नंबर पे, दो कंडीशन हमने इसलिए ली थी। उसके बाद बोलता है बॉक्स डी इज़ प्लेस्ड केप्ट इमिजिएटली बिलो बॉक्स सी, सी के जस्ट नीचे क्या है, डी है, डी हमने यहाँ रख दिया। एंड इमिजिएटली अबव बॉक्स ई, इमिजिएटली अबव बॉक्स ई हमने यहाँ रख दिया। बॉक्स एच इज़ प्लेस्ड इन द मिडिल ऑफ जी एंड आई, जो जी और आई है हमारा, उन दोनों के बीच में क्या है, हमारा मिडिल में क्या है, क्या है हमारा, एच है। जो एच है हमारा क्या है, जी और आई के क्या है, मिड में है। ठीक है, जी ऊपर भी हो सकता है, आई भी ऊपर हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी, बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। देखिए ए से ई से रिलेटेड हमारे, देखिए 3 बॉक्सेस वाली है ये, ए और ई के बीच में कितने गैप है, 3 का गैप है, 1, 2, 3, ए हमारे यहाँ आ जाएगा, इसी तरह ऊपर जा सकता है, 1, 2, 3, ए हमारे यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं आई के लिए, देखिए आई के लिए कौन कौन सी प्लेस बची हुई है, देखिए इसके अंदर देखते हैं, आई यहाँ पे आ सकता है क्या, नो, क्योंकि 9 है तो ये इवन नहीं है, ऑड है। आई यहाँ पे भी नहीं आ सकता, आई यहाँ पे आ सकता है, आई दो छोड़ के, पर्सन छोड़ के क्या आना चाहिए, हमारा एफ आना चाहिए। आई हमने यहाँ रखा, 1, 2 छोड़ के एफ यहाँ पे आ सकता है, नहीं आ सकता, 1, 2 एफ यहाँ नहीं आ सकता। आई के लिए कौन सी पॉसिबिलिटी बनी, यहाँ पे आई हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 2 पे, 1, 2, 2 छोड़ के हमारा कहाँ जाएगा, एफ यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं, देखिए एफ यहाँ पे आ गया, ए आई और जी के बीच में क्या आना चाहिए, हमारा एच आना चाहिए मिड में। देखिए अगर हमारा कहाँ पे, जी यहाँ पे रखते हैं तो एच मिड में आ सकता है क्या, एच यहाँ पे या यहाँ रख सकते हैं, लेकिन मिड में आ नहीं पाएगा, इसलिए हमारा जी कहाँ पे होना पड़ेगा, यहाँ होना पड़ेगा और एच यहाँ पे होना पड़ेगा। हमारा एक ही प्रश्न बचा हुआ है, बी। देखिए हमारे इस कंडीशन के थ्रू ही क्या हमारा आंसर आ चुका है, इसलिए हमको दूसरी कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं। वैसे तो एग्ज़ाम में अगर आप इस तरह से कंडीशन बन जाती है, आपकी पूरी तरह से सब सही चल रहा है, तो हमको क्या है, दूसरी कंडीशन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे क्या है, टाइम वेस्ट होगा और हमारा जो आंसर है वो पहले ही आ चुका है। ठीक है, फिर भी आप में आप सबकी सहलूती आपकी देखे हुए मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए सी डी और ई, ठीक है हमारा आई कहाँ पे आना चाहिए, ईवन पे आना चाहिए। देखिए आई यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, देखिए आई यहाँ पे आया तो दो पर्सन छोड़ के आना चाहिए, हमारा एफ आना चाहिए, 1, 2, एफ हमारे यहाँ नहीं आ सकता। देखते हैं एफ नीचे आ सकता है क्या, 1, 2 छोड़ के एफ यहाँ पे भी आ सकता। उसके अलावा देखिए यहाँ पे आई यहाँ पे आ सकता है कि हमारा आई यहाँ पे आते ही 1, 2 छः दो छोड़ के क्या, हमारा एफ यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी डी बैठा हुआ है, इसलिए हमारी ये क्या कंडीशन ऑलरेडी रॉन्ग हो चुकी है, इस ये हमारी कंडीशन सही हो चुकी है। देखिए इसका ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे, इसका आंसर हमारा सही हो चुका है, इसको टिक करके हम आगे बढ़ेंगे। आप ने जिस जितने मिनट में आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप इसको एक बारी शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स अ लॉट, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर।